हेलो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रों को देख रखा था, कहाँ कहाँ स्थित हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, है ना। एमसीक्यू भी लगाए थे, तो उससे क्या होता है आपका जो पढ़ा हुआ होता है कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद आज हम लोग का नया टॉपिक है, आज है हिम रेखा एवं हिमनद, यानी हिम रेखा से क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ की हिम रेखा ऊंची है, कहाँ की कहाँ पर बड़े हिमनद हैं, है ना। हिम रेखा देख बता दें आपको, तो हिम रेखा और हिमनद क्या होते हैं। हिम रेखा होती है आपकी जिस ऊंचाई से वहां पर बर्फ जमने लगती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये पर्वत है, ठीक है। अब कहीं पर इतनी ऊंचाई से बर्फ जमने लग रही है, कहीं पर इतनी ऊंचाई बर्फ मिल रही है, कहीं पर इतनी ऊंचाई बर्फ मिल रही है। तो जहां पर जितनी ऊंचाई से बर्फ मिलने लगती है तो उसे बोलते हैं हिमरेखा। तो जो हिमरेखा है ये हर जगह की अलग अलग हिमरेखा होती है, ठीक है। और जहां पर बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े चट्टाने जम जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं हिमनद, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऊपर है, तो यहाँ पर खूब बड़ी चट्टान जम गई पानी की, तो उसे क्या बोलते हैं, हिमनद, ठीक है। ये पूरी बर्फ की जमी हुई होती है, ठंडे तापमान के कारण यहाँ पर जमी हुई होती है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है हिमनद और हिमरेखा। टॉपिक पे आते हैं। कहता है हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पर्वत है, अब यहाँ पर ये बर्फ जमी हुई है ना, इतनी ये बर्फ जमी हुई है, तो जो ये निचली परत है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, हिमरेखा, जहाँ से हिम जमने लगती है, यानी जब बर्फ जमने जहाँ से लगती है। कहता अक्षांशों उच्चावच वर्षण की मात्रा ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय में अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न मिलती है। यानी जो हिमालय स्थित आपका पश्चिम से पूर्व तक जो हिमालय फैला हुआ है, तो पश्चिम से पूर्व तक हिमालय में फैले होने में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिमरेखा है। कहता परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई जो है मान हिमालय के उत्तर में 5500 से 6000 मीटर की मिलती है। यानी 5500 से 6000 मीटर के बीच जो बर्फ है वो जमने लगती है हिमालय। ये हम एवरेज यानी औसत की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहता है महान हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर की मीटर पर पाई जाती है जो हिमरेखा है। इसी प्रकार से पश्चिमी हिमालय, अगर हम बात करें पश्चिमी हिमालय की, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, वहां पर हिमरेखा की जो औसत ऊंचाई है वो है 5800 मीटर। यानी जब आप 5800 मीटर चढ़ेंगे उसके बाद आपको ये हिमरेखा देखने को मिलेगी। जबकि पूर्वी हिमालय की अगर आप बात करें, पूर्वी हिमालय की जो है वो 4300 मीटर ऊंचाई पर हिमरेखा आपको देखने को मिल जाती है। तो आपसे हिमालय की नहीं पूछेगा, आपसे पूर्वी हिमालय या पश्चिमी हिमालय की पूछ सकता है। पूर्वी हिमालय क्या है, 4300 मीटर, और जबकि पश्चिमी हिमालय की 5800 मीटर ये हिमरेखा की ऊंचाई है। कहता है काराकोरम जो कि केंद्र प्रदेश लद्दाख में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जो है हिमनदों में फैला हुआ है। यानी इतना बड़ा बर्फ का एरिया भारत में है हिमालय में। आगे कहता है हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है, के पर्वतों में विद्यमान है। जो आपके बड़े बड़े हिमनद हैं वो महान यानी ग्रेटर हिमालय में और ट्रांस हिमालय में देखने को मिलते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं। जो आपका लघु यानी जो आपका मध्य हिमालय आता है वहां पर जो हिमनद मिलते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि वहां पर उससे ऊपर आपका उच्च हिमालय लगने लगता है। इस कारण पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, ये पीर पंजाल का है, ठीक है, जो लाहुल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद कहता है कराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के जो हिमनद विद्यमान है वो कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है आपका सियाचिन हिमनद, उसके बाद आपका हिस्पार, बियाफो, इसके बाद बाल्टोरा और ससाइन, ये प्रमुख आपके हिमनद है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हो ये सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा और ससाइनी, ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ा आपका सियाचिन हिमनद है, ठीक है। कहता चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। ये आपसे पूछ सकता है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है उसके उत्तर में स्थित है। अब देखिए जो भी ग्लेशियर होंगे वो अधिकतर राज्यों के उत्तर में ही स्थित होंगे, ठीक है, क्योंकि उत्तर में हिमालय फैला हुआ है, उत्तरी क्षेत्र में ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहता इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान पर दक्षिण ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण यहाँ गांधी सरोवर झील का निर्माण भी हुआ है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। जो मिलाम हिमनद ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इस हिमनद से शारदा नदी यानी काली गंगा का उद्गम होता है। तो पूछ सकता है काली गंगा यानी शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है, ठीक है।
ये आप हिमनद की स्थिति देख सकते हैं, जो आपका हिमिलाम हिमनद है, पिंडार ग्लेशियर है, बपानी ग्लेशियर है ना, ये आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड के आसपास है, गंगोत्री है, यमुनोत्री, संतोपत है। इसके बाद जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, सियाचिन, ड्रांग दुंग, बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पार, ये सब आपके अधिकतर पीओके में है कुछ, और आपके कुछ अधिकतर लद्दाख में है। ठीक है, सबसे बड़ा ही आपको याद रखना है सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बाल्टोरा। ठीक है, ये चार तो प्रमुख आपको याद होने ही चाहिए। सियाचिन कहाँ पर है, काराकोरम में है, बियाफो काराकोरम में, हिस्पार काराकोरम में, बाल्टोरा आपका काराकोरम में है। इसके बाद आपका गंगोत्री ग्लेशियर जो है आपका, ये उत्तराखंड में, ये इंपॉर्टेंट है, जेमू सिक्किम और नेपाल के बीच में, ससाइनी आपकी भी काराकोरम में। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं और बाकी चार ये। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू में, जो हमने किया है यहाँ से कुछ एमसीक्यू बनेंगे, है ना, जिस प्रकार से बनेंगे वो हमने बता दिया आपको, थोड़ा एमसीक्यू कर लेंगे तो जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है वो चीज़ थोड़ा लर्न हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है, अक्साईचिन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ है, ये आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में देखने को मिलता है। नुब्रा घाटी कहाँ पर मिलेगी, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद कहता है निम्न निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ, कौन सा हिमनद जो है सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन है सियाचिन, बाल्टोरा, चोगुलुंगमा या फिर बिहाफो। ठीक है, तो कौन सा सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद ही है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, कंचनजंगा, गंगोत्री, रुंडुग या फिर केदारनाथ, तो इनमें से जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है आपका, वो है आपका गंगोत्री। ठीक है, दिखाई दे रहा क्वेश्चन, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री, जो कि 26 किलोमीटर लगभग लंबा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है, ससाइनी, जेमू, गंगोत्री या फिर सियाचिन, सियाचिन होते पर सियाचिन ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद यही 76 किलोमीटर का लगभग है। अगला क्वेश्चन कहता है चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है, देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन जो बताया था हमने, चौरावाड़ी ग्लेशियर जो था केदारनाथ के उत्तर में था, केदारनाथ का, केदारनाथ ये केदार, और देखिए सभी ऑप्शन दे दिए सब, केदारनाथ के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर, दक्षिण में, तो आपको डायरेक्टली ध्यान याद रखनी पड़ेगी, केदारनाथ के उत्तर में स्थित है चौरावाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, और कहाँ पड़ेगा, ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालय के हिमनद कि पिघलने की गति जो है वो कैसी है, सबसे कम है, गलत, सबसे अधिक है, सबसे अधिक हिमालय के हिमनद ही पिघलते हैं, इसलिए आप देखोगे जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती है, इसे आप देखो यमुना है, गंगा है, ये हमेशा बहती रहती हैं। ठीक है, थीके? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, कुमायूं क्षेत्र की बात कर रहा है यहाँ से, तो हिस्पार है, जेमू है, मिलाम है या फिर रूपल है, तो क्या लगाएंगे, हिस्पार नहीं है, जेमू सिक्किम में है, रूपल नहीं है, मिलाम, मिलाम हिमनद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, कहता है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको मैच कराना है, हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, तो कहता है निम्नलिखित युग्मों पर सुमेलित कीजिए, ये हिमनद दिए गए हैं और नदी दिए गए हैं, तो कह रहा है कौन सा सुमेलित है, यानी जो सुमेलित है उस पर चर्चा करनी है हमको, तो बंदरपुंछ से यमुना नदी निकलती है, बिल्कुल ठीक है, पहला सही है, यानी कि सी और डी ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हमारे पास पहला ए ऑप्शन और बी ऑप्शन बचता है, बारासिगरी से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है, इसके बाद मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है क्या, नहीं, ये नहीं निकलती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, यानी बी बी ऑप्शन गलत हो गया, तो जेमू हिमनद जो है आपका, ये आपका सिक्किम में स्थित है, यहाँ से मानस नदी नहीं तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो एक दो और चार सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे जाते हैं, तो जो हमने ये देखा है हिमनद और हिमरेखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे सिर्फ हिमालय की पूर्वी रेखा और पश्चिमी, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की आपकी हिमरेखा की ऊंचाई पूछेगा बस, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो हिमनद से ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हिमनद बड़े हैं, वहां से नदियां निकलती हैं, इसलिए वहां से क्वेश्चन
हैं। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।